तो गाइस क्या आप लोग भी इस वाले एम प्रॉब्लम से काफी ज्यादा परेशान हो? तो गाइस टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे इस वाले एम प्रॉब्लम को आप लोगों को ठीक करना है। और गाइस मुझे पता है कि इस वाले एम के साथ गाइस आप लोगों को हेडशॉट मारने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा होगा, क्योंकि ये वाला एम थोड़ा छोटा है और इसकी वजह से आपका हेड नहीं लग रहा होगा, जैसे कि देख सकते हो मेरा बॉडी पे अटक रहा है बार बार। गाइस आप लोग चाहते हो कि इसको ठीक करना है कैसे भी करके, क्योंकि इसको ठीक करने के बिना हम लोग फिर से हेडशॉट नहीं मार सकते। गाइस सच में बताऊं तो जब मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा था ना, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था कि इसको ठीक कैसे करना है। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये ठीक होकर के पहले जैसा हो सकता है, तो फिर मैंने सोचा कि इसको चलो ठीक करते हैं। और गाइस मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दो, क्योंकि आप लोगों के साथ भी सेम सा प्रॉब्लम आ रहा होगा। जब भी आप रिलोड करते हो गन को, तो यहाँ पर एक एरो वाला मतलब तीन बुलेट के ऑप्शन आते होंगे और आपका जो है ना मतलब ये पूरा सर्कल कम्प्लीट होता होगा, तब जाके रिलोड होता होगा। तो गाइस इसको ठीक करने के लिए ज्यादा आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। गाइस आपके लिए छोटा सा वीडियो बनाया, तो यार इसीलिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और साथ में बेल ऑप्शन को ऑल पे सेट कर देना। गाइस मैं बेल ऑप्शन को ऑल पे सेट करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी ऐसी गेम के अंदर कोई भी अपडेट या कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो उसकी वीडियो हम लोग अपने चैनल पर डाल देंगे, ताकि आप लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको और अच्छे से गेम को एंजॉय कर सको। और गाइस हम लोग अपने चैनल के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स भी देते हैं, जिसके मदद से आप लोग अपने गेम के अंदर बन सकते हो प्रो प्लेयर। देखो गाइस प्रो बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत होती है, चाहे आप किसी भी एज में हो या आपके लेवल ही कंप्लीट क्यों ना हो गए हो, लेवल बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा लाइक हो गए होंगे, लेकिन गाइस टिप्स एंड ट्रिक्स की जो ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर एक इंसान को। तो इसी के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो गाइस आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको कंट्रोल्स में आना है और कंट्रोल्स में आपको एक चीज़ ढूंढना है। देखो यहाँ पर आपको जो है रिलोड प्रोग्रेशन दिखना देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देखो रिलोड प्रोग्रेशन ऑन क्रॉस हेयर, इसको जो है ना ऑफ कर देना, ठीक है ना। रिलोड प्रोग्रेशन ऑन क्रॉस हेयर होगा आपका, उसको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको एक दिख जाएगा रिलोड प्रोग्रेशन, ठीक है ना। सॉरी गाइस रिलोड प्रोग्रेशन नहीं, क्रॉस हेयर टाइप, ठीक है ना। क्रॉस हेयर टाइप यहाँ पे देख लो विजुअल्स में, क्रॉस हेयर टाइप सबसे ऊपर है, उसको जाकर के ऑफ कर देना। उसके बाद देखो गाइस यहाँ पे मेरा जो एम है वो वापस से पहले जैसा हो गया। यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से मेरे हेड वगैरह बैठ रहे हैं यहाँ पे और बॉडी पे अटक नहीं रहा है, ठीक है ना। ऐसा अगर आप लोगों को चाहिए ये वाला एम, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैंने बता दिया कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। और गाइस आपको अगर ये वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना और कमेंट में अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप लोगों को किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो यार कमेंट में कमेंट कर देना। मैं उसके ऊपर जो है ना कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए और मुझे भी व्यूज़ आए। बस इतना ही था। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। मिलते हैं किसी और प्रॉब्लम के साथ।